welcome to my YouTube channel Study Ship with Kriti 2. Here we are with our another chapter, Unit 4, Federalism for our Be Honest Political Science Semester 4 students, paper CCPA. तो इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे. चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है. इनफैक्ट अब इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे ईजी हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाले चैप्टर के लिए भी बात की थी. स्टूडेंट्स, आई हैव क्रिएटेड एंटायर सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. सो इन केस यू वॉन्ट टू एक्सेस द प्ले लिस्ट, हियर द आई बटन, प्लीज गो थ्रू इट. अगर अभी नहीं आ रहा है तो बाद में आएगा थ्रू द वीडियो, यू कैन जस्ट चेक इट आउट. सेकेंडली, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नोट्स मैंने अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो. इनफैक्ट सारे के सारे पेपर के जो है वो नोट्स डल चुके हैं, तो आप वहाँ पे सिमिलर पोस्टर्स में चेक कर सकते हो. अनदर थिंग इज दैट कि या मे इज कमिंग अप, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मे में आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं. आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दर इज गोइंग टू बी अ रिविजन बैच फॉर अ बी ऑन अ सेमेस्टर फोर स्टूडेंट्स. सो इनकेस आप लोग इनरोल करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं, प्लीज डू रीच आउट टू मी ऑन टू माई दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर. ऑल्सो सेमेस्टर 5 के लिए हमारे रजिस्ट्रेशन जून के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगे. मेक श्योर यू जस्ट रजिस्टर इनकेस यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फॉर योर सेमेस्टर 5. तो आज के लिए ज्ञान इतना ही. अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर. फेडरलिज्म कोई नया चैप्टर नहीं है. क्लास 11 12th में अगर पॉलिटिकल साइंस रहा है, और नहीं भी रहा है तो 9th 10th लेवल पे पढ़ा होगा. फेडरलिज्म हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की. वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट इज बेटर और फेडरल गवर्नमेंट इज बेटर. वी आर टॉकिंग अबाउट इज दैट उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. पहली बात तो ये डेफिनेशन सरकार की क्या है, गवर्नमेंट से क्या है. गवर्नमेंट टर्म इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम लाइक टू रूल, टू गवर्न और टू एक्ट और टू मेक डिसीजन. वी कैन जस्ट से दिस कुड बी ऑफ मेनी टाइम्स. अगर हम मेनी टाइप्स एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेटो के अकॉर्डिंग अगर हम गवर्नमेंट को देखें, प्लेटो ने अपने कॉन्सेप्ट में गवर्नमेंट को जो है तीन तरह की सरकार बताई है. 1, आइडियल स्टेट, यू नो स्टेट जो एकदम परफेक्ट स्टेट होता है, जहाँ पे सरकार जो है लोगों के लिए काम कर रही है, लोग जो है वो सरकार के जो भी डिसीजंस उसको मान रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दूसरा होता है हमारा स्टेट ऑफ इम्परफेक्ट, वी कैन जस्ट से आइडियल को ऑपोजिट, यानी कि यहाँ पे स्टेट लापरवाही से काम कर रही है, और लापरवाही नहीं हम बोल सकते हैं कि करप्ट है. एंड तीसरा है हमारा स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, ये होगी लापरवाही वाली सरकार. ठीक है, अब प्लेटो का ये क्लासिफिकेशन है हमारी गवर्नमेंट वाले कॉन्सेप्ट का. एरिस्टोटल ने भी एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को. एंड एक प्लेबिस्किस करके थियोरिस्ट है और फिलोसोफर है, नोट्स में डाला हुआ है, तो उन्होंने बताया है अकॉर्डिंग टू हिम गवर्नमेंट के जो है वो कुछ टाइप्स है. 1 इज दैट की जो ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट होती है, रूल बाय 1, ठीक है, और वी कैन से मोनार्की गवर्नमेंट. दूसरी ओलिगार्की हो गई हमारी, एंड तीसरी जो है वो डेमोक्रेटिक हो गई. ओलिगार्की मीन्स दैट रूल्ड बाय फ्यू, मोनार्की रूल्ड बाय 1, और जो डेमोक्रेटिक है रूल्ड बाय मैनी. एंड एक और है लिस्कोक करके, आई थिंक आई माइट बी फॉरगेटिंग द नेम, बट उन्होंने बताया है कि सरकार जो है वो दो तरह की होती है. एक तो होती है डेस्पोटिक गवर्नमेंट, मीन्स काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन, एंड दूसरी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चोज बाय पीपल. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट. इनफैक्ट अभी आप चैप्टर 5-6 जाओगे ना, तो और ज्यादा रिजीम टाइप जो है वो एक्सप्लोर करोगे. फिलहाल के लिए लेकिन इतना ही. सो जस्ट अंडरस्टैंड मोनार्की ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, रूल बाय 1, रूल बाय फ्यू, रूल बाय पीपल. ठीक है, अब समझते हैं मीनिंग एंड फंक्शन का क्या होता है. स्टेट यानी कि सरकार, स्टेट और गवर्नमेंट आर नॉट द सेम वर्ड्स. आई वुड लाइक टू टेल दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स, समटाइम्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है. स्टेट का वन ऑफ द कॉम्पोनेंट होता है सरकार, और यानी कि गवर्नमेंट. सो स्टेट जो है और सरकार जो है वो कंट्रोल करती है सोसाइटी थ्रू लॉ एंड ऑर्डर. दे बेसिकली यू नो काइंड ऑफ हैव अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड ऑपरेटिंग स्टेट एलिमेंट्स. ठीक है, उनमें से एक सरकार आता है. दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन, स्टेट का विल जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज ट्रू फॉर एंटायर वर्ल्ड, जहां पे भी सरकार एग्जिस्ट करती है.
तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. वी ऑल नो, हम पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव जो है वो कानून बनाती है, ठीक है, और लोगों को रिप्रेजेंट करती है. एग्जीक्यूटिव जो है उन्हीं कानून को इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन करता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन ऑर्डर टू लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाए हैं इनको इन्फोर्स करने में. जुडिशरी जो है वो न्याय करता है, यानी कि जस्टिस करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आपस में, मे बी स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट हो, अलग अलग प्रोविजंस के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रीइंटरप्रेट करता है. जैसे कि व्हाई डू वी नीड टीचर इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू टीच द सब्जेक्ट. आप खुद से भी तो पढ़ सकते हो. अगेन आई एम जस्ट डूइंग दैट स्लिप ऑफ अ टंग वे टू मच इन टू दिस लेक्चर, बट आई एम नॉट गोइंग टू कट इट, आई हैव टू अपडेट दिस. फोर्थ बात करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर कर ही लेना, मतलब आपकी इतनी मेहनत भी नहीं लगेगी, बहुत ईजी है. आपने एक बार मेरे नोट से भी पढ़ लिया ना, दिस वुड बी वे मोर इनफ टू यू ऑल. वाई आई एम सेइंग दिस वन, बिकॉज फिर आप अगर इलेबोरेशन आपको करना आता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा. यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि पूरे के पूरे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर लाइक मोर सेंट्रलाइज्ड पावर एज द वर्ड आई सेड इटसेल्फ. फ्लेक्सिबल इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है. वाई? बिकॉज सेंट्रलाइज्ड है ना ये, तो ये जब चाहे जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं. पावर तो एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. सेंट्रलाइज्ड रूल्स होते हैं इनके, ऊपर से नीचे सब जगह एक ही रूल्स अप्लाई होंगे. फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अडोप्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है. यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है वही स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी, वही इनकी रूरल गवर्नमेंट में भी चल रहा होगा. फेडरल सरकार जो है वो एकदम उल्टी होती है यूनिटरी की, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग, ठीक है. रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है. यू कैन एक्चुअली कंसिडर फेडरल में, हम इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं. रोल ऑफ जुडिशियरी वेरी एक्टिव होता है, क्योंकि अगर सेंट्रल एंड स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सॉल्व इसको कौन करेगा? जुडिशियरी. फिर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है. सी, सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है और लोकल पे होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे भी होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बट डुअल एडमिनिस्ट्रेशन में दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट टू मेक अ डिसीजन, जो सेंट्रल में नहीं होता. सेंट्रल में भी ऐसे उन्होंने अलग अलग लेवल्स पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखे, लेकिन जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो नीचे तक उनको मानना पड़ेगा. सिटीजनशिप बायकैमरल एंड लेजिस्लेचर यहाँ पे होता है, हमारे यहाँ पे है ना, लोकसभा, राज्यसभा. वी हैव एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी में, मैंने आपको ब्रिटेन का एग्जाम्पल नहीं दिया. दे डू हैव पार्लियामेंट में दो हाउसेज है, हाउसेज ऑफ कॉमन एंड हाउसेज ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है. तो ये सारी कंट्री के लिए नियम बनाते हैं. बट हेयर वी हैव दो, हमारे यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा है, बट अगेन स्टेट लेवल पे भी जो है वो लेजिस्लेचर चलती है एंड वो बायकैमरल है बहुत सारे स्टेट में, डिपेंड अपॉन किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है. अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो हर चीज के होते हैं. यूनिटरी एंड गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है, बिकॉज एक के हाथ में है. आपको अपने डिसीजन बनाने के लिए 10 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है. डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, बिकॉज सारे के सारे डिसीजन एक ही जगह से बन के आ रहे हैं. एंड स्ट्रांग सेंट्रल कंट्रोल होता है, तो कई बार जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में इट इज ईजी फॉर देम टू कंट्रोल ओवर द एंटायर सिस्टम. डिसएडवांटेज, लिमिटेड लोकल ऑटोनॉमी, बिकॉज लोकल ऑटोनॉमी तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करते. पोटेंशियल ऑफ सेंट्रलाइजिंग पावर, एज आई सेड दैट कि थ्रेट के टाइम पे ये चीज अगर इतनी पावरफुल हो सकती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है. फेडरल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, दे एक्चुअली टॉक अबाउट द डाइवर्स नीड्स. वो रीजनल जो डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करते हैं, रीजनल जो इश्यूज है उसको एड्रेस करते हैं. दे ऑल्सो टॉक अबाउट द चेक सेंट्रल पावर. सो इट्स नॉट समथिंग कि फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल जो करना चाहे कर सकते हैं, स्टेट क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो अपनी बात रख सकते हैं. डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर डिवाइडेड है. पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, अगेन सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है. हो सकता है सेम मामले में, सेम इश्यूज में सेंट्रल कुछ और कह रहा हो, स्टेट कुछ और कह रहा हो, तो दे हैव टू कम टू द यू नो कॉमन ग्राउंड. एग्जाम्पल यूनिटरी में फ्रांस, जापान, इटली का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, और फेडरल में इनफैक्ट इसमें ब्रिटेन भी आप शामिल कर सकते हो. फेडरल में यूएसए, कैनेडा, जर्मनी एंड
इंडिया. फॉर इंस्टेंस ये एग्जाम्पल लेते हैं कि COVID-19 के टाइम पे ब्रिटेन एंड फ्रांस ने जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म किया था बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट. जैसे कि अगर कहीं पे भी कुछ भी बैन लगाना है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करना है या किसी भी तरह का पैंडेमिक से रिलेटेड कोई रूल आया है तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू जस्ट नीचे तक अपना ऑर्डर पहुंचाना बिकॉज सारा का सारा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड था. सेम चीज इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज में, नॉट ओनली इंडिया, इनफैक्ट फेडरल कंट्रीज में क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज फिर वहां पे अलग अलग लेवल्स पे उनके अपने ओपिनियन हो जाते हैं. मॉडर्न ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म, अब बहुत सारे नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड हुए हैं. डिवॉल्यूशन ऑफ पावर इज समथिंग जो फेडरलिज्म का एक की कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पे हम बात करते हैं देखो पावर तुम नीचे तक इसको डिस्ट्रीब्यूट करो प्रॉपरली. फिर असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असिमेट्रिक फेडरलिज्म से मतलब है इंडिया में असिमेट्रिक फेडरलिज्म हम फॉलो करते हैं. इट्स नॉट समथिंग कि सेंट्रल एंड स्टेट में हमने पावर इक्वली डिवाइड की है. हमारे यहाँ पे सेंट्रल इज स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट गवर्नमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर तो डिस्ट्रीब्यूटेड है बट अगेन स्टेट में भी इक्वल नहीं है. हो सकता है कुछ स्टेट को बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन और अदर रिक्वायरमेंट्स हमने उनको ज्यादा पावर दे के रखी हो या फिर ज्यादा रिसोर्सेज दे के रखे हो. सो दिस इज डिफरेंट. तो फेडरलिज्म इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इक्वली बट इन इंडिया वी फॉलो असिमेट्रिक फेडरलिज्म विच इज नॉट इक्वल. फिस्कल फेडरलिज्म से मतलब है कि जहां पे हम बात कर रहे हो कि सेंट्रल एंड जो स्टेट है इनमें जो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फाइनेंस रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो स्टेट को भी इक्वल मौका दो, ठीक है, पैसे कमानेगा ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके. फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अगेन दे टॉक अबाउट दैट सेंट्रल एंड स्टेट नीड टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल गवर्नमेंट फॉर द कंट्री. क्रिटिकल एनालिसिस, सी जितने भी चीजें बताई है वो बस रिपीटेड है. सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन इज गुड इन मेनी केसेस एंड ऑल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन जो फेडरलिज्म में होता है. स्टेबिलिटी एंड पावर, समवेयर जो स्टेबिलिटी है वो सेंट्रलाइज मतलब यूनिटरी गवर्नमेंट वाला सिस्टम लाता है और कई बार जो है पावर का अब्यूजेस भी हो जाता है इसमें. सेम चीज अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर में बात करें तो स्टेबिलिटी वहां पर थोड़ी कम रहती है लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहता है. कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टेबिलिटी, तो देखो अगेन यूनिटरी सिस्टम में बात करें तो फेडरलिज्म में मतलब यूनिटरी सिस्टम में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम है बट अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है. एंड स्टेबिलिटी की बात करें तो फेडरल इज काइंड ऑफ समटाइम्स प्रोवाइडेड मोर. एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो कहीं पे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कहीं पे एक ही तरह का चल रहा है, कहीं पे डुअल सिटीजनशिप चल रही है. जैसे कि यूएसए की एग्जांपल लेते हैं, यूएसए में स्टेट सिटीजनशिप भी होती है, नेशन सिटीजनशिप भी होती है. इंडिया में हम एक ही तरह के सिटीजनशिप में मानते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर इज समथिंग दोनों में अलग अलग है, ठीक है. अगर यूनिटरी में बात करें इट इज वेरी इजी फॉर देम टू चेंज एनी काइंड ऑफ अ प्रोविजन इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. सेम डज नॉट गो विद फेडरलिज्म बिकॉज फेडरलिज्म में जो है स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल वोट्स लगेंगे स्टेट का, सेंट्रल का, अलग अलग तरह के नियम चलेंगे, देन ओनली हम कर पाएंगे. वाई? बिकॉज सो दैट कि कोई भी इजिली सबवर्ट ना कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन को. अभी फेडरलिज्म में सिर्फ इतना ही. अगर कोई भी डाउट है डू लेट मी इन कॉमेंट सेक्शन. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. मेक श्योर यू रीच आउट टू मी ऑन टू माई व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम बिकॉज देयर आई एम शेयरिंग क्वाइट गुड वीडियोज विच कुड बी यूजफुल फॉर यू ऑल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेमेस्टर 5 के बैचेस जून के मिड में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे तो आप लोग इनरोल कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो अबाउट इट सो दैट क्योंकि सेमेस्टर 4 तो निकल चुका है, एटलीस्ट 5 का आपका बिगिनिंग से शुरू हो जाए, बिगिनिंग से सिलेबस कवर हो जाए. एंड नोट्स मैंने डाल दिए. बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब स्टडी शिविर कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट.